हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी जीरा आलू की सब्जी। बहुत ही कम सामान में बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। जीरा आलू बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में ऑयल गरम करेंगे, तो ऑयल इसमें हम 2 से 3 चम्मच डाल देंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा इसमें हम 1 बड़ी चम्मच जीरा डाल देंगे। फिर इसमें हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। 2 हरी मिर्च और जीरा को हल्का सा भून लेंगे, काला नहीं करना है, बस हल्का सा भून लेना है ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। जैसे ही जीरा और हरी मिर्च पक जाएंगे हम इसमें डाल देंगे आलू। तो आलू को मैंने 4 मीडियम साइज आलू लिया है, छिलके हटाकर काट लिया है। आलू को हमें किस तरह लेना है, आलू पूरी तरह से ठंडा हो जाना चाहिए। मतलब ये कि जब हम उबालते हैं आलू को तो उबाल कर पूरी तरह से आलू ठंडा हो जाएगा, तभी आप आलू की जीरा आलू बनाइएगा, तभी आलू जो है बहुत टेस्टी बनेगी। अगर आप गर्म आलू में छील दीजिएगा और काट के भूनने लगेगा जीरा आलू डाल के तो वो मैश हो जाएगी। आलू को हमें 2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर और नमक। हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। आप कोशिश करें इसे टॉस करने की, ज़्यादा स्पैचुला से प्रेस ना करें, क्योंकि आलू हमने बॉईल करके इस्तेमाल किया है ना तो ये टूटने लगेगी। अगर आपके पास टाइम है तो आलू को बॉईल करके फ्रिज में रख दें। जब आलू ठंडा हो जाएगी, आलू के अंदर से मॉइस्चर चली जाएगी, फिर आप जीरा आलू बनाइएगा। उस प्रोसेस में आलू टूटेगी नहीं और ज़्यादा टेस्टी बनेगी। ढककर 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। 4 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और ये हमारी जीरा आलू बनकर तैयार हो चुकी है। जब आलू में एक लेयर सी दिखने लगेगी गोल्डन कलर की, तब समझ जाइएगा जीरा आलू बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे आलू में। चिली फ्लेक्स को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए इसे हम टॉस कर लेंगे। तो हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए ही इसे हमें टॉस कर लेना है अच्छे से। 1 मिनट के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ये हमारे जीरा आलू बनकर तैयार है। लास्ट में हम डाल देंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ता। जीरा आलू में धनिया पत्ता बहुत अच्छा टेस्ट लेके आता है, तो धनिया पत्ता मैं इसमें हल्का सा ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। और 1 छोटी चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। अगर आपको खट्टा बिल्कुल पसंद नहीं है तो इसकी भी कर सकते हैं, लेकिन जीरा आलू में हल्का सा खट्टा बहुत अच्छा टेस्ट लाता है, तो इसीलिए मैं हल्का सा नींबू डाल रही हूँ इसमें। तो धनिया पत्ता और नींबू के रस को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हमने चलते इसे सर्व करने के प्रोसेस में, हमें धनिया पत्ता और नींबू का रस गैस बंद करने के बाद डालना है, पहले नहीं डालना है। और नींबू का रस धनिया पत्ता डालने के बाद इसे हमें पकाना नहीं है, तुरंत मिक्स करना है और गर्मा गर्म सर्व करना है। इस जीरा आलू को आप रोटी के साथ खाइए, पराठा के साथ खाइए या फिर दाल चावल के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और दाल चावल के साथ तो बिल्कुल परफेक्ट लगती है खाने में। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।